बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काजमी और आप देख रहे हैं संडे का लाइव शो। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट के जरिए तजारत के लिए रूस को रसाई दे दी और यूं रूस भी पाकिस्तान चीन के साथ सीपैक का हिस्सा बन गया। अब बलूचिस्तान खित्ते की दो सुपर पावर्स चीन और रूस की मुआशी और तजारती सरगर्मियों का मरकज होगा। पाकिस्तान रूस का ये मुआहदा सिर्फ तवानाई की फराहमी तक महदूद नहीं बल्कि सर रूस को ग्वादर से जोड़ने के लिए मॉडर्न लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, गैस, ऑयल पाइपलाइन और बिजली पैदा करने के मंसूबे होंगे। रूस पाकिस्तान का दिफाई तावन भी मजबूत होगा और इससे पाकिस्तान, चीन, ईरान और तुर्की बड़े खिलाड़ी बनकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ अरब, इसराइल, अमरीका है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपने लिए बेहतरीन फैसले कर रहा है। अब सऊदीया और ईरान पर भी हमारा निसार कम होगा, हमारी खारजा पॉलिसी को मजबूत होगी और हम मुकम्मल तौर पर अरब कैंप से निकल सकेंगे। पेट्रोडॉलर वॉर जिसमें हमें ज़बरदस्ती हिस्सा बनाया जा रहा था, हम उसमें से भी निकल सकेंगे। कोई हमें यह नहीं बता सकेगा कि पैसे निकालो फौरन वरना ये होगा वरना वो होगा, हम तुम्हारे वर्कर भेज देंगे। हमारी तवानाई के मंसूबे जल्द मुकम्मल होंगे, हमारी सनतें की नई जिंदगी मिलेगी, सिक्योरिटी के मसाइल जो हम बलूचिस्तान में फेस करें वो हमें फेस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि दो बड़ी कुव्वतें चीन और रूस इसमें साथ होंगी तो ये आने वाले दिनों में गेम चेंजर होगा। लेकिन खतरात बहुत लाख हैं। आप याद रखिएगा कि शतरंज की चालें शुरू होंगी, अंदरूनी और बैरूनी तौर पर कैसे गेम स्टार्ट होगी, क्योंकि मुल्क दुश्मन कभी ये नहीं चाहेंगे ऐसा हो। इनमें क्या हो सकता है उसकी एक मिसाल सुने, कैसे ईरान को दीवार से लगाया गया। तंबाकू पीने वाले, काश्त करने वाले आपको कहें कि आप माचिस नहीं रख सकते। इसराइल के वज़ीर आज़म ने 30 अप्रैल 2018 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ईरान के प्रोजेक्ट अमाद के बारे में बताया कि ईरान ने झूठ बोला है, वो किसी साइंसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे, वो दर हकीकत प्रोजेक्ट अमाद पर काम कर रहे। और फिर उन्होंने डॉक्टर मोहसिन फखरजादे का नाम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। नेतन्याहू की तकरीर पहली बार नहीं, दुनिया ने इससे पहले भी फखरजादा के बारे में सुना था। ईरान के खुफिया जौहरी हथियारों के प्रोग्राम में इस नाम को बार बार अहम शख्सियत करार दिया गया। ईरान के साइंसदान की अहमियत आप ऐसे लगाएं जैसे पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान या नजरियाती तबीयात के साइंसदान रॉबर्ट ओपनहाइमर हैं। आप इन्हें ईरान के जौहरी प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा दिमाग भी समझ सकते हैं। ये प्रोजेक्ट अमाद से लेकर हर बड़े प्रोजेक्ट के पीछे मौजूद थे। इनका नाम बैन अलाक्वामी जौहरी तवानाई एजेंसी, इनके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। मगरबी मीडिया इन्हें दुनिया के ताकतवर लोगों में शुमार करता था। इनके ऊपर आलमी पाबंदियां भी लगी हुई थी। ईरानी वजारत दिफा में ये एक रिसर्च कंपनी के हेड भी थे। इनके काम की नेचर ऐसी थी कि मीडिया में नहीं आते थे लेकिन मगरब इनकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए था। उनके साथ उनके शहर में जो हुआ ये साबित करता है कि मुकाबले में जो मुल्क हैं वो बहुत ताकतवर हैं। और अब ये सवाल उठता है कि क्या ईरान का जौहरी प्रोग्राम रोल बैक होगा या क्या वाकई ईरान जौहरी हथियारों के इतना करीब पहुंच चुका था, और क्या ईरान अपने इतने अहम बंदे की सिक्योरिटी क्यों नहीं कर सका। ये वो सारे सवालात हैं कि जिनके जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए जब से रशिया हमारे साथ शामिल हुआ है चैलेंजेस मज़ीद बढ़ेंगे। आपको भी अपने ना सिर्फ तनसीबात बल्कि अपने अहम लोगों की सिक्योरिटी, ख़ास तौर पर मैं कहूँगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी का ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ पाकिस्तानी वो लोग जो आपको पता है मिडिल ईस्ट में इस वक्त रोज़गार और अपनी नौकरियों के सिलसिले में मसरूफ़ हैं, और उनके साथ उनके कफ़ील या शेख अल कफ़ील मेरे साथ मौजूद हैं दोनों। इनसे पूछते हैं इसराइल को एक्सेप्ट करने के बारे में जो अभी अरब दुनिया में हो रहा है और पाकिस्तानी लेबर जो वहाँ मौजूद है उनके क्या हालात हैं, इन सब चीज़ों पर इनसे बात करते हैं। मेरे साथ रहे, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा ख्वातीनो हज़रात, इस वक्त मेरे साथ जट कमाला साहब मौजूद हैं जो कि इस मौजू पर इनको बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन ये काफ़ी गुस्से में है कि हमारे प्रोग्राम में भी शामिल नहीं होना चाहते थे, कि कह रहे थे कि मैं यहूदियों के साथ प्रोग्राम नहीं कर सकता। हालांकि उन्हें बताया गया कि आपके साथ या शेख कफील मौजूद हैं। तो ये बताएं जट कमाला साहब कि आखिर आपको मसला क्या है, आप इसराइल को क्यों नहीं कबूल करते। देखें जी, बात ये है, इसराइल को कबूल, आप भी चंगे बंदे हैं जी, मेरा निकाह हो रहा है जी उनके साथ जो मैं उनको कबूल करूं, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है, और ये एवं है, ये एवं शेवे है, इनका इनके पकानों में से वहां निकल गई हुई है, मैं आपको सही दसूं तो। और ये लोग पागल हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप लोग इनको पहचान, इनके पकाने पार चुके हैं, वाय निकल गई इनके पकानों से। बोलता गुब्बारा मतलब बलून, हमारा गुब्बारा से हवा निकल गया, अभी तुम्हारा भी निकलेगा, किधर से निकलेगा, जिधर से सुराख होएगा उधर से निकलेगा। माफी मुश्किल हबीबी ला मालूम,
ओ खादा संभाल जबान नू, एडा तू अरबी अरबी घट ते तंदूर आली दा मुंडा तू बोता लगन डे है मरे। एक मिनट मिनट या शेख, ये बताएं कि एक अरसे से आप इसराइल को कबूल करने पर तैयार ही नहीं थे, ये अचानक क्या हुआ कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपने अपने मुल्क में दावत दे दी, इनके परचम लहरा दिए? उमर ने जवाब देखे, और देखें जी मैं बताता हूँ इसका जवाब आपको। और ये दो नंबर शेख हैं, ठीक है ना जी, इनको कुछ समझ नहीं आती, जिसको मर्जी अब ला रहे हैं, पैसे के हैं ये सारे, पैसे के बीबे एकदम गलत बोलता है ब्रदर, वी वर्शिप सेम गॉड, तुम टेक्निकल वर्ड नहीं समझता है, हाजा जहदुल इंसानिया, यानी हरकत में बरकत होता है, हम कब तलक इग्नोर करेंगे, यानी मुश्किल हबीबी ब्रदर, वी आर एक्सपेंडिंग फ्रेंडशिप सर्कल, व्हाट बात करता है जाट कमाला साहब। पाकिस्तानी अवाम इसराइल के मामले को लेकर काफी सीरियस है, हर फोरम पर हर जगह पर यह बात डिस्कस हो रही है कि कुछ लोग जो अरब अमारात में रहते हैं जो पाकिस्तानी, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं? उनके जी आप यकीन मने हून खोलता है, वो हून खोलता है हमारा, जब हम इनको ऐसी हरकतें करते देखते हैं, ये अरबी मेरे सामने होता ना आप यकीन मने मैं इसको दस्ता, ये मेरे सामने नहीं है, ये आज भी अपनी फरारी पे पट्ठे लेके जाता है अपने ऊंट को देने के लिए, ये तो इनको अक्ल है, ठीक है ना जी, आप इसको चामे तो सही, और ये किधर का अरबी है, ये आप यकीन मने ये अंदरूने शहर लाहौर का अरबी है, मैं आपको दसूं, उथे टांगा चलांदा जी ये, अच्छा मुंह चामो जरा, ये अरबी वाला मुंह है, ये उकाड़े दा अरबी जे, मैं तुहानू सही दसा, अच्छा अच्छा शदीद जिल्लतुल आमीज व्हाट्स गुड टू डू लवे मौला, तेनु कैसा तू अरबी पाया, शक्ल शैतान हाजा, ओ शैतान तू, शैतान तेरा पियो, शैतान हो जेडे जेडे तुसी तुहानू भुल गया फलस्तीनियां नाल की हो रहा है, मरे कैसा तेरा मुंह है, कबज होई होए ना ते इंज दा मुंह बंद है जिंद दा तेरा, मेनू तो गुस्सा ही बड़ा ते, स्टॉप करना पे, और तुसी गल करो जी, मैं नहीं करनी है ना यहूदियां नाल। अच्छा याश ये बताए कि आप, आपको पता है मुसलमान कितने नाराज हैं आपसे इस बात पे? Wallahi, wallahi, mushkilun, shadidun. Wallahi, the decision, brother, wasn't very easy. Habibi, abhi hum, brother, hamara bibi naraz hota hai. Uska wari zyada karta hai. Wo naraz hoega to hayat mushkilun kathirun. Qom gharatun amar mafad awwalun, awwalun awla anta fahmatun. Acha. Allah ta'ala halatun. मरे कितू ती तू अरबी बोलन डे इस तू सोनी अरबी साडे पिंड च बोली जांदी है, और मेरी गल, और सभी भाई बात सुने, बात पता क्या, इन लोगों का मसला ये है कि इन लोगों के पास है तेल, जब मैं इन्हें देखूंगा जो तेल कट के बेच तारे मिले दा पाया ना, तो इन्हों की इन्हों पता उदू लगना जी तू इन्हों की गड्डी फस फस के चलनी है, यहो जे ते अरबी ने। अच्छा ये बताएं जाट कमाला साहब, आप कभी दुबई गए हैं, और अगर आप वहां पर जो मौजूद लोग हैं वो क्या सोचते हैं इसराइल अरब दोस्ती पर? की पूछ लिया तुसी, और दुबई तो मेरा वीजा लगा होना है, जेड़ा नवा कट्टा खोलिया इना मेरा वीजा जेड़ा वेचे रिजेक्ट हो गया, ऐ ही चादर साजे, ऐ देखो ऐ चादर साजे, उत्थे ही मैं लैके सौ जाना सा उत्ते, ठीक है, उत्थे भी गरीब मारे यार, मेरा वीजा लगा रिजेक्ट हो गया, ऐसे एदा ही मैं जेड़ा एदे कोल ही काम करदा सी, नु पुछो हां क्यों नहीं भेजदा पिया मेरा काम। या कफील या शेख ये क्या हो रहा है, मतलब आप एक तरफ तो आपने शराबो कबाब इसराइल के टूरिस्ट के लिए आपने कोशर शुरू कर दिया है उनको बुला के, और एक तरफ आपके शुरते जो हैं वो हमारे बंदों को तंग कर रहे हैं। हबीबी हबीबी लाइफ इज टू एंजॉय हबीबी, तुम अपने घर में मेहमान को इनवाइट करता है तो उनका खादिरन मदारतुन करता, लेकिन ना करता, वल्लाही टू मच शिकायतुन, दिस जहन्नम का कीड़तुन, बहमान मन जानिब अल्लाह, अभी उसका खिदमत नहीं करेगा तो हाउ एंबैरसिंग। सिर्फ अरबी बोलता है इस करके मुंह मथे लगता है, नहीं तो यकीन मनो मैं अपनी जुत्ती दे तले च भी ना इन्हां नूं रखा, ऐसी खबीस कौम मैं अपनी जिंदगी च नहीं देखी। सभी भाई ये आप बकवास करते हो, بكواسة شرطي فقد خدمة العوام هذا موضوع لا تسكس اندرنا الفيرة اوه اربيت مجھ کو بھی گالیں آتی ہیں
मैं कटिया ने तेन बहाजा इनता शुरता मुरता कुरता थुरता ते तेन लग पता जाना मैं तेन कहा की है। अच्छा एक मिनट, मैं सीरियस नोट पे, ये बताएं ये जट कमाला साहब, ये आपके साथ कैसा सलूक करते हैं, इनसे आपको कोई मसला है इस वक्त? सॉरी जी मैं आपकी आवाज नहीं सुन सका। ये बताएं कि ये जो आपके कफील हैं या शेख, ये आपके साथ कैसा सलूक करते हैं, क्या आपको इनसे कोई मसला तो नहीं है? सलूक और सलूक, और जानवरों से भी अच्छा सलूक करता है बंदा, और ये तो हमसे जानवरों से भी बुरा सलूक करते हैं। मेरे से गलती से एक दिन इसने मुझे उधर ऊंटों की आंखों में सुरमा डालने के लिए रखा था, एक दिन मेरे से सुरमा थड़ा उसकी तौन पे लग गया, तो कहता ये तुमने क्या किया? मैं कहा या शेखा हाजा छुरिया तुल फेरन तुन फ्रॉम हियर टुन एंड देन आई पुट द निशानी ऑन हियर, वो इसने मेरी तौन पे छुरी रख दी, और ये तो बड़ा जलील, और ये बहुत जलील करते हमें। غلط كان كارنتون هذا يعني جواب دهيتون و والله I mean as like we pay the money, we pay the money brother, we pay the money and the job is not complete, they killing our animal by putting shurma either on the neck, what the hell are they doing? ओ हाजा अरबी, ओए ये अरबी बोल रहा है या इंग्लिश बोल रहा है? तेरु तू देखिया जे सभी भाई इनके अरबी इधर से अंदाजा कर ले आप इनका। या शेख आपको पता है कि आपके यहाँ जो प्रॉपर्टी है वो पाकिस्तान के सियासतदानों और जजेस की है, अगर आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल लें आपको पता है आपका क्या हाल होगा? उनका मेहरबानी है भाई, उनका दौलत है तो हमारा मुल्क चलता तुन, वरना अपाहजुन हमारा तेल का कुआ जो सूखा तुन, तुम्हारा वकील तुन अदालत तुन सियासतदान तुन वो भी जिनका जिक्र ममनू है तुन, सबका बहुत शुक्रन कसीर वल्ला हबीबी वल्ला 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 शुक्रन कसीर। हेलो हेलो ए ए ए मेनू लगता है किसे तरने च जमया दा अरबी दा बच्चा नचन किवें दिया जदा, चेक ते करो एक को करतूत ने इन्हां दे, एक को काम ने इन्हां दे, और मेरा वीजा क्यों नहीं भेजन दिया पहले तो मैनूं ए दस ना। अच्छा तुम शैतान वल खबीस मा हासा यानी एंट्री इन टू आवर कंट्री वर शैतान ममनूअतुन, तो पैसे दे मेरे मेरे मैं उथे जेड़ा कमाया पैसे क्यों नहीं देंदा पिया तू, कैसा तेरा मुंह है मरे? पैसा गायबतुन हेलो, ओए गरीबां दे, ओए गरीबां दे पैसे खा खा के ना तेरा यतीमा रा मुंह होया दा तेरा, मरे दाढ़ी चेक कर जिवे कलफ वाली दाढ़ी, ओ तेनु मैं की कहां है, मैं तेनु मामा पैणा दी गाला कड्डांगा, पहले तू मुंह परे कर ला तू। अच्छा अच्छा एक मिनट जट साहब ये बताएं, जट कमाला साहब आपसे सवाल है कि ये हमारे लोग गलत काम करके ये पैसा वहां लेके जाते क्यों हैं? और देखे जी सीधी सी बात है, वहां पे बिल्डिंगें बनाई हुई हैं इन लोगों ने, इन लोगों को पता है कि इन लोगों को वहीं पे जो है ना सहूलतें मिलनी है, और सहूलतें देने वाले ये लोग हैं, ये भी करप्ट और जो इधर से पैसा लेके जाते हैं वो भी करप्ट, ये दोनों माफिया मिला हुआ है, ये सेफ है वहां पे, बात समझे हैं, वहां पे इनकी जायदादें सेफ है क्योंकि इन लोगों ने सहारा दिया हुआ है, सिर्फ इनका वास चलता है गरीबों पे चलता है, हम पे चलता है, ठीक है ना जी। या शेख आप बताएं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें तो आप जो है वीजा नहीं देते, और जो हमारे अनपढ़ लोग हैं करप्ट लोग हैं उन्हें बड़े आसानी से वीजा दे देते हैं। और सभी भाई है जरा मेरे वीजे की जरा माड़ी जी गल कर ली। अच्छा ठीक है आपके वीजे हबीबी हबीबी सबीहतुन मजबूरतुन हबीबी मजबूरतुन हबीबी, पढ़ा लिखा लोग को चाहिए कि मुल्क का खिदमतुन, बाकी बात का सियासतदान का ट्रेनिंग और ब्रेन वॉशिंग वेरी इंपॉर्टेंट तुन, मजबूत अखी मजबूत पहली दफा जब आपको वीजा मिला था तो क्या आसानी से वीजा मिल गया था आपको? ले आसानी ना मिलना सी, ये कौम है आसानी नाल किसे नु देने वाली, ये वीजे तू पहले भी हजारा रुपया लेंदे ने उथे पहुंच के भी लेंदे ने, फिर वीजा रिन्यूअल ते भी लेंदे ने, ए कोई है असी ते जिन्ना कमाने आ पाजी जिन्ना कमाने आ असी इन्ना नु दे छड़ने आ, असी ते पिछे कुछ भेजदे ही नहीं, ए एक ही चादर है एक चेक वाली शर्ट है जेड़ी लई सी सोहरिया दित्ती सी ओही पाई दी है वीरे।
हमारी ग्वादर पोर्ट से आपको मसला क्या है, इस पर आप क्यों नजर जमा कर बैठे हुए? आपकी अपनी पोर्ट इतनी है, आपको कभी हमने कुछ कहा है? ब्रदर ब्रदर सवाल उन अहमियत यानी सवाल उन इम्पोर्टेंट उन ये गवर्नर जो है हमारा बहुत कम का है अहमियत उन कसीर उन वल्लाह लोग इस पर क्या करेगा तुम लोग तो आपस में टूटतुन फूटतुन हमें इस्तेमाल करने देगा फायदा तुन तुम उसके बदले में जो मांगेगा तुम तो बेकार तुन माँ तुम जो मांगेगा हम देगा हमारे कंडीशन पे देगा फायदा तुन तुम उसका बदले में जो मांगेगा देगा उनकी कंडीशन से आपको क्या मसला? पूरा दुनिया का लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुन हमारा थोड़ा ही है हम उसका ठेकेदार है हमारे को तू साडे नाल रल ते सही ना तू रलदा भी तू तो उन्होंने रलिया दे बात करता है ऐसा वो सभी भाई हम जाते हैं ऐसा बकवास तुमने मेहमान बुलाया बात करता तू बकवास है। अच्छा एक मिनट रुको याशेख ये बताएं कि तुर्की ईरान ये हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं आपको क्या मसला क्या है क्यों आप इनके साथ जो है इस्लामी जो उम्मत मुस्लिम है उसका इत्तेहाद कायम रखने में आपको तो मदद करनी चाहिए आप रुकावटें डाल रहे हैं बहुत खतरतुन हम ईसाई यहूदी एतबारतुन वलाकिन मुस्लिम दोस्ती मुश्किलन का फेरुन हम एक नहीं होना चाहता है अगर एक हो जाएगा तो फिर इसराइल से फुरूटतुन कैसे इम्पोर्टतुन वल्ला हमारा औलाद को बहुत पसंद है उधर का हामिंगो और उसका एप्पल जो है यहूदी का वो हमारा दिल में रहता तो फिर हमारा अमेरिका में हमारा औलाद उधर जाके वो जो है एंजॉय मारता है एंजॉय होटल में रहते इधर हमारा उधर तुर्की में और ओए 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 हेलो ओ हाजा अरबी ओए खुदा को पनाह मांग खुदा को डर ठीक है खुदा को पनाह मांग खुदा को तू अंब वास्ते करन दे ना तेनु मैं अंब भी भेज दांगा तेनु मैं केला भी दांगा ओनु खाई नहीं तो ठीक ना लेकिन वीरे एक खेड़ा छड़ दे इजराइल दा एक गल चंगी नहीं हूं ओ याद कर जो नबी पाक ने किया सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओ भूल गए हैं तू सारियां चीजां जट साहब वल्लाह वी डू नॉट वांट एनी एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान टू वॉल कीड़ा अमृत के अंदर निकलते ऐसा ऊपर खड़ा हो क्या हमको बोलते हैं अरबी को कीड़ा ही तेरे कीड़े को मारेगा से करेगा तो हम तुम्हारा बात को सुनेगा तुम लोग अपने एक्सपोर्ट में चू ना तुन फुल टाइम चू ना तुन ओ कीड़ा तेनु सेट कर देगा वो तेरे कीड़े नु मार देगा थोड़ा सा जो ना आप अपनी जबान पे देखें पार्लिमानी बने इसको थोड़ा तहजीब से बात करें मैं समझ सकता हूँ तहजीब तुम्हारा वो है तुम मेहमान बुलाया तुमने कैसे उसको तहजीब का क्या वास्ता है अरबी तहजीब है अरब का तहजीब है तुम्हारा क्या तहजीब है 40 साल का 70 साल का तहजीब हमारा तहजीब है सालों पे जाता है वल्ला सालों पे जाता है लोकां लो गल हैगा अरबी है ते बोलन पश्तो डे है एदा मैं की करां यार मैनू ते ए नहीं समझ आउंदी चटकवाला साहब जी पर तुम्हारा आधा पे खबर हमारा दुबई में तो क्या बोलेगा अभी उनसे सीख चले जाट कमाला साहब ये बताएं कि जो पाकिस्तानी दुबई आना चाहते हैं आप उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं ही कहूंगा वीरे मेरा भी को बंदोबस्त करो पहुंच के उते मैं और की कहना कुछ नहीं कहना वीरे मैं भी वडीकन डिया वीजे नू नहीं मतलब आप तो रह के आए हैं ना तो आपका जो एक्सपीरियंस है तो आप कुछ जो देखे जी ये तो मैं आपसे आपके साथ मजाक कर रहा था ऐसी बात नहीं है मेरा एक्सपीरियंस जो वहां पे है वो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि खुदा के लिए जो है ना जी अपने मकसद को ना भूलें आप ये देखें कि आपका मकसद क्या है आप वहां करने क्या गए हैं और पैसे के पीछे मत भागे जिस तरह ये लोग भाग गए इन लोगों ने इसराइल को एक्सेप्ट किया पैसा इधर ही रह जाना
अच्छा आपके मकसद को जिंदा रहना। या शेख, आप कोई मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को कोई पैगाम देना चाहेंगे? والله حمورة پیغام تون وانن واحد واحد پیغام هدر امارا ملوک میانه تو پر تون کا یهودی کا دوست بنانا یهود تون دوستون یاری یاری بغل میں لے کے چلے گا ہم پر میں جتی لاگ بن ہمارا ملک میں اکی آزادی سے رہنا ہے منہ پر نہیں ہمارا انٹرنیشنل ووٹر ہے انٹرنیشنل ووٹر اس میں سب چلتا ہے شراب چلتا ہے کباب چلتا ہے ایسا بات نہیں بات کرتا ہے ناظرین آپ نے شو دیکھا ہمیشہ کی طرح یا شیخ اور ہمارے ساتھ جو پاکستانی وہاں پر دبئی میں موجود تھے پھر آپس میں لڑ پڑے جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان کا موقف تو بڑا صاف ہے انہیں دکھ ہے کہ کیوں ہمارے عربی مسلمان بھائی اسرائیل کی طرف بڑھ رہے ہیں انہیں دکھ ہو رہا ہے لیکن یا شیخ چونکہ کفیل ہے پاور میں ہے تو وہ اپنی پاور کا استعمال ابیوز کر رہے ہیں تو لیکن آنے والا وقت انشاءاللہ بتائے گا کہ حق پر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد رہے گی اور باطل کا نام مٹ جائے گا پروڈیوسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سیبی کاظمی کو اور آج کے مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا اللہ حافظ